वोल्टास फ्लडेड टाइप चिलर जो कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये इसका पैनल है। वोल्टास आर टाटा प्रोडक्ट, ये इसकी प्लेट है। बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि चिलर चल रहा है पीछे, थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। एयरफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको बेहतर सुनाई देगा। तो यहाँ पर ये इसकी डाटा प्लेट है, मॉडल, सीरियल नंबर, कंडेंसर का जो टेस्ट प्रेशर है, सेल साइड और ट्यूब साइड, इवेपोरेटर का सेल साइड और आपका ट्यूब साइड का प्रेशर दिखा रखा है। कंप्रेशर मोटर 80 किलोवाट, मेन सप्लाई 400, कंट्रोल सप्लाई और ये हीटर का जितना भी डाटा है वो है। रेफ्रिजरेंट चार्ज होती है इसमें R134A 120 kg करीबन, ठीक है। और ये कैपेसिटी इसकी है 382,880 किलो कैलरी पर आर, इतनी ये कूलिंग जनरेट करता है। तो ये इसकी डाटा प्लेट थी, वोल्टास का फ्लडेड टाइप चिलर है। नीचे आप देख पा रहे होंगे फ्लडेड टाइप चिलर है। यहाँ पर इसकी मेन सप्लाई है स्टार डेल्टा, यहाँ पर इसका थोड़ा सा कंट्रोलिंग का पैनल है और ये इसकी डिस्प्ले है। डिस्प्ले के ऊपर तो मैंने आपको बहुत बार बता भी रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल पर जाके देख लीजिएगा, मैंने दिखा रखा है इस डिस्प्ले के बारे में। ये सिलेक्टर स्विच है, ये इमरजेंसी स्विच है और बैकग्राउंड में इसका जितना भी ये कंडेंसर, इवेपोरेटर, कंप्रेशर वाला पार्ट है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर ना सभी पार्ट्स के ऊपर लेबल लगे हुए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं इसलिए आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और उसी के साथ आपको ये पता चल जाएगा जो फ्लडेड टाइप चिलर होते हैं। ये फ्लडेड टाइप आपने सुना होगा, फ्लडेड टाइप इवेपोरेटर, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको मैं सब दिखा देता हूँ, आपको पता लग पाएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं और किस तरीके से कनेक्ट हैं, क्योंकि इसमें आपको ऑयल सेपरेटर और साथ में आपको एक इकोनोमाइजर भी देखने को मिल जाता है बैकग्राउंड में। ये इकोनोमाइजर है, कंप्रेशर आपका है ही। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें देख लेते हैं। बात करते हैं पहले यहाँ पर जो वाटर साइकिल है कंडेंसर की, वो दिखा देता हूँ। ये कंडेंसर है नीचे की तरफ वाइट कलर में, जो है ये कंडेंसर है आपका साइलेंट ट्यूब टाइप कंडेंसर। ये इसका इनलेट, नीचे ये आउटलेट। इनलेट आउटलेट किस तरीके से पहचानते हैं आपको मैंने बता रखा है, आपको इस बैलेंसिंग वाल और फ्लो स्विच का ध्यान रखना है। ये फ्लो स्विच का कनेक्शन है यहाँ पर, ये फ्लो स्विच के लिए ये और ये, ऐसे ही आपको इवेपोरेटर के स्वयं भी देखने को मिल जाते हैं। ये रहा फ्लो स्विच आपका, चिलर फ्लो स्विच, कंडेंसर फ्लो स्विच। तो मैंने आपको बता रखा है आउट किस तरीके से पहचानी जाती है, आउट पहचानी जाती है फ्लो स्विच से और ये बैलेंसिंग वाल आप देख पा रहे हैं। तो ये आउट है और ये इन है। इसी के साथ आपका इसी के बगल में जो है इवेपोरेटर देखने को आपको मिल जाता है, दिखा देता हूँ इस साइड से आपको। तो ये रहा इसका इवेपोरेटर, वहाँ पर चिलर लिखा हुआ है। तो इन आउट भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इन आपकी ये है जहाँ से पानी इंटर करेगा, ये भी शैलेंट ट्यूब टाइप का है और फ्लडेड टाइप इवेपोरेटर है। फ्लडेड टाइप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। और ये आउट है इसका, यहाँ पर आपको एक बैलेंसिंग वाल देखने को मिल जाता है। इसकी भी इन आउट का यहाँ पर लेबल लगा हुआ है। एक प्रेशर गेज है यहाँ पर, यहाँ पर टेम्परेचर के लिए मीटर लगा हुआ है, थर्मोमीटर। ड्रेन करने के लिए यहाँ पर आपको दो पोर्ट देखने को मिल जाते हैं ड्रेन, पानी को ड्रेन करने के लिए। इसी तरीके से यहाँ इवेपोरेटर पे भी गेज देखने को मिल जाता है, प्रेशर टेम्परेचर, और टेम्परेचर के लिए आपको थर्मोमीटर देखने को मिल जाता है। अब रेफ्रिजरेंट के जो कनेक्शन है आपस में, क्योंकि रेफ्रिजरेंट का भी इनके बीच में साइकिल चलती है आपको पता है। ये वाटर साइकिल थी जो मैंने अभी आपको बताई, अब देख लेते हैं रेफ्रिजरेंट की साइकिल किस तरीके की है। पहले मैं आपको पार्ट दिखा देता हूँ। ऊपर की तरफ एक कंप्रेशर है, यहाँ पर अभी जो ये फ्लो स्विच के जो ये आप बॉक्सेस देख रहे हैं, इसी के पीछे इकोनोमाइजर देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो रेफ्रिजरेंट यहाँ पर आके क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है। लिक्विड फॉर्म में इसीलिए क्योंकि जो कंडेंसर है वो क्या करता है, हीट रिजेक्ट करता है रेफ्रिजरेंट की, और यहाँ से वो जब निकलेगी तो यहाँ ये आप देख पा रहे लेबल लगा हुआ है स्टेनर का, यहाँ से होते हुए ये पोर्ट से होते हुए यहाँ पर एक ग्लास लगा हुआ है जहाँ पर आप रेफ्रिजरेंट को देख पाएंगे लिक्विड फॉर्म में, और ये कनेक्ट है आपके इस इकोनोमाइजर से, ठीक है। इकोनोमाइजर पे कनेक्ट है ऊपर वाले पोर्ट पे, यहाँ पर ये वाले पोर्ट पे कनेक्ट है ये वाला कनेक्शन। तो यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाएगी। अब मैं आपको उस साइड से दिखा देता हूँ इकोनोमाइजर के कनेक्शन। तो ये रहा सामने की तरफ मैंने जो दिखाया था, ये वो पोर्ट है जो कंडेंसर से आएगा लिक्विड वाला, लिक्विड रेफ्रिजरेंट का, और इंटर करेगा इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर में दो लिक्विड आपस में फ्लू एक साथ मतलब रन करते हैं, बट वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, मिक्स नहीं होते, अलग अलग रन करते हैं। और एक हॉट होता है, एक होता है कोल्ड, ठीक है, आपस में अपनी हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। सेकेंड कनेक्शन इकोनोमाइजर का यहाँ से कनेक्ट है जो कि आपके कंप्रेशर में जाएगा, ठीक है। ये रहा कंप्रेशर में जाने के लिए कनेक्शन। नीचे की तरफ एक लूप कनेक्शन है जहाँ पर आपको थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल देखने को मिल जाता है। मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ।
तो ये वाला जो पोर्ट है, ये पोर्ट है, यहाँ पर लूप है, अगर आप देख पाएंगे यहाँ पर, यहाँ से निकल के ये जो पोर्ट निकल के आ रहा है, यहाँ से होते हुए ऐसे घुमा हुआ है, और एक निकल के जाएगा आपके इवेपोरेटर में, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व देखने को मिल जाता है ये वाला। और नीचे की तरफ मैं दिखा देता हूँ, ये जा रहा है, देखो ये वाला पोर्ट आपके इवेपोरेटर में कनेक्ट है, ये रहा आपका इवेपोरेटर, और ये रहा आपका कंप्रेशर, स्क्रू कंप्रेशर। यहाँ पर आपको लोडिंग अनलोडिंग के दो सैंड लोड वॉल्स देखने को मिल जाते हैं। और ये वाला जो पोर्ट है, तो जब रेफ्रिजरेंट यहाँ पहुँचती है, यहाँ से क्या, जब कंप्रेशर के अंदर होती है, तब रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ बाहर निकलती है इससे, और इसी के साथ ना ऑयल भी बाहर आता है। तो ऑयल को अलग करने के लिए यहाँ पर एक ऑयल सेपरेटर है, ये एक्सटर्नल ऑयल सेपरेटर है, इसके अंदर इंटरनल भी देखने को मिलता है किसी किसी कंप्रेशर में। तो ये रहा ऑयल सेपरेटर, और यहाँ से रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ कंडेंसर में जाती है, और कंडेंसर से वापस इवेपोरेटर में आती है इग्नोमाइजर के थ्रू, जो भी मैंने साइकिल बताई थी आपको। तो यहाँ पर आती है, तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में रेफ्रिजरेंट होता है कंडेंसर के अंदर, रेफ्रिजरेंट अपनी हीट को पानी को ट्रांसफ़र करता है, फिर से ठंडा होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म से वापस इग्नोमाइजर में आके यहाँ पर आएगा, इसके अंदर इवेपोरेटर के अंदर, इवेपोरेटर में फिर से गर्म होके वापस आता है इस सक्शन लाइन से, ये कनेक्ट है इवेपोरेटर पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सक्शन लाइन है, ये आपकी डिस्चार्ज लाइन है। यहाँ पर कुछ छोटे पाइप के कनेक्शन हैं जो ऑयल रिटर्न के लिए हैं, यहाँ पर आपको जेट पंप देखने को मिल जाता है प्रेशर के लिए। तो ये कनेक्शन क्या हैं, ऑयल को रिटर्न करने के लिए। यहाँ पर आपको एक ड्राई फिल्टर ऑयल के लिए देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ से रिटर्न नीचे की तरफ इवेपोरेटर पर कनेक्ट है, रिटर्न आता है कहाँ पर, सक्शन लाइन पे। तो ये फ्रंट साइड है कंप्रेशर का लेबल लगा हुआ, ये पैनल है जहाँ पर कनेक्शन हैं इसके, ऊपर NRV है नॉन रिटर्न वाल्व, और ये ऑयल सेपरेटर के लिए जाएगा, और यहाँ से सेक्शन कंप्रेशर के अंदर जाता है। तो कुछ इस तरीके से फ्लडेड टाइप चिलर आपका होता है, जिसमें मैंने आपको जितने भी पार्ट्स थे वो दिखा दिए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।